और अब हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा 5 किलोमीटर का मुश्किल भरा सफर तय कर पहाड़ों के रास्ते गौरीकुंड पहुंचे। नीचे नदी बह रही थी और उससे करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो खड़े थे। ये कोई बताने वाला या फिर यहाँ कोई बचाने वाला नहीं था। इस जगह के बारे में सब कुछ बयां करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। करीब 5 किलोमीटर पहाड़ों पर चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वक्त हम जो नदी है नीचे, जिसमें बहुत ही तेज जल प्रवाह है, उस नदी से करीब 3 किलोमीटर ऊपर है। यानी कि हम 5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं पहाड़ों पे और बिल्कुल जहाँ पे ये हम खड़े हैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक नदी बह रही है, जहाँ बिल्कुल पूरी तरह से जो लैंडस्लाइड हुआ है, तमाम जो सड़कें इसके नीचे से गुजरती थी वो सड़कें खत्म हो गई है, नामो निशान मिट गया है। बताया जाए कि बहुत सारे लोग जो उस वक्त इस रास्ते से गुजर रहे थे वो उसकी तबाही की चपेट में आए और इस नदी की धारा में बह गए। आपको दिखाया कि यहाँ पे एक बिराने में एक मंदिर है, जो मंदिर बिराना है, ना ही तो यहाँ कोई साधु है ना ही कोई पंडित है, कोई भी इंसान यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ भगवान की अंदर मूर्ति है, हनुमान भगवान की मूर्ति है, आगे एक नंदी है, इसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, किसी भी इंसान की कोई भी नामो निशान यहाँ नहीं बचा है। जाहिर है बिराने में ये मंदिर है, लेकिन हमारा रास्ता बहुत कठिन है। जिस तरह के रास्ते से हम गुजर गए हैं जाहिर है वो जानलेवा है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें वो तस्वीरें भी दिखानी है जहाँ लोग अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें उम्मीद है कि शायद राहत उन तक पहुंचे तो वो जिंदा हो सकते हैं। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज 24। न्यूज 24 संवाददाता विनोद मिश्रा सोन प्रयाग से जब गौरीकुंड के सफर पर चले तो उन्होंने देखा कि इंसानों का नामो निशान नहीं था, लेकिन जानवरों ने अपने बचने के उपाय किए हुए थे। सेना रेस्क्यू कर रही थी और जानवर पहाड़ी पर जिंदगी की राह तलाश रहे थे। सोमप्रयाग से गौरीकुंड जा रहे हैं, बीच रास्ते में हैं और घने जंगलों के बीच है। इस वक्त बिल्कुल घना जंगल है चारों तरफ। नीचे आपको नदी दिखाई देगी और यहाँ पे देख सकते हैं कि सड़क थी, हालांकि ये लैंडस्लाइड से टूट गई है सड़क, और जो गाड़ियां यहाँ खड़ी थी वो आज भी यहीं पे खड़ी हैं। जो लोग थे वो किसी तरह से रेस्क्यू हुए हैं, इंसान ही नहीं जानवरों ने भी अपनी जान बचाने के लिए उपाय किए हैं। दिखाया कि पहाड़ों पे इस वक्त जो है जो खच्चर होते हैं यहाँ पे, जो जिसे यहाँ के जो घोड़े होते हैं, पहाड़ी घोड़े जिन्हें खच्चर कहते हैं, वो जान बचाने के लिए इन पहाड़ों पर छुपे हुए हैं। मालिक कहाँ पे है कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद से लग रहा है कि जो लोग हैं सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी खुद की रक्षा कर रहे हैं और इसीलिए पहाड़ों पर छुपे हैं। बताया जा रहा है कि इंसान भी पहले पहाड़ों पर जाकर छुपे हुए थे, कुछ लोग थे जो पहाड़ों पे थे, उतार लिया गया उन्हें, लेकिन जानवर अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज 24। उत्तराखंड में आई तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो गौरीकुंड बर्बाद कर दिया। जो गौरीकुंड कभी गुलजार रहा करता था आज तबाही के मंजर से कराह रहा है। सेना लगातार जी जान से रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन आलम जस के तस। न्यूज 24 संवाददाता विनोद मिश्रा जब गौरीकुंड पहुंचे तो गौरीकुंड को पहचानना भी मुश्किल था। हम इस वक्त हम गौरीकुंड में, आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। जो सेना के जवान हैं वो लगातार लोगों को बचाने में लगे हैं। पूरा जो घाटी है पूरी तरह से तबाह हो चुका है, कोई भी नामो निशान नहीं बचा, कुछ भी यहाँ शेष नहीं बचा है जिसे आप इसकी पहचान कर सके कि ये गौरीकुंड है। सब कुछ तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 7 दिन हो गए लेकिन अभी भी लोग फंसे हुए हैं। आपके पास दोबारा दिखाया तस्वीरें, किस तरह से मंदाकिनी ने यहाँ पे कहर ढाया है, किस तरह से सब कुछ तबाह कर दिया है। जो सेना के जवान है वो लगातार लोगों को बचाकर यहाँ से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार कोशिश जारी कि जो लोग अभी भी, बताया जा रहा है करीब 500 से 600 लोग अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ पे फंसे हो सकते हैं, जो यहाँ पे अभी भी जिनको रेस्क्यू कराना बाकी है, और इसके लिए लगातार जो है टीमें रेस्क्यू कर रही हैं, लगातार जो सेना के जवान है वो रेस्क्यू करा रहे हैं। हम आपको दिखाएं कि किस तरह से भयंकर तबाही हुई यहाँ पे और किस तरह से इन्हें लगातार जो लोग यहाँ बचे हैं वो उन्हें बड़ी मुश्किलों से यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। बेहद कठिन रास्ते हैं यहाँ पे, लेकिन बावजूद इसके जो सेना के जवान हैं वो लोगों को रेस्क्यू कराने में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी तबाही जो हुई है वो गौरीकुंड में हुई है। सबसे अधिक जानमाल का नुकसान हुआ है तो गौरीकुंड में हुआ है। सबसे जो मंदाकिनी ने सबसे बड़ा कहर ढाया है वो भी गौरीकुंड में ढाया है। सब कुछ खत्म हो गया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना पर आप कह सके कि ये गौरीकुंड है, क्योंकि इसका कोई भी ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं बची। सब कुछ तबाह हो चुका है। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ विनोद मिश्रा, गौरीकुंड, न्यूज 24। गौरीकुंड से सोन प्रयाग के सफर पर न्यूज 24 संवाददाता विनोद मिश्रा ने देखा कि मंदाकिनी के विनाश लीला ने सब कुछ ले लिया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट गई हैं और कुछ नजर आ रहा है तो हर तरफ चट्टान ही चट्टान।
लेकिन इस तबाही के मंजर में सेना ही सबकी रहनुमा बनी हुई है। गौरीकुंड से जो रास्ता आ रहा है, जाहिर है ये रास्ता बेहद खतरनाक है, बहुत वीरान है। जो लोग गौरीकुंड में फंसे हुए हैं, मैक्सिमम लोगों को इन्हीं रास्तों से निकालकर जो आगे सोमप्रयाग है वहां तक ले जाया जा रहा है, वहां से गाड़ियों में उन्हें आगे भेजा जा रहा है। तो एक ही एकमात्र रास्ता है जिससे जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। और इस दुर्गम पहाड़ी में लोग हैं, सिर्फ सेना के जवान ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मदद करने के लिए पहाड़ी रास्तों में। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या मकसद क्या आप लोगों का? सर, हम शिमला से आए हैं सर, तीनों, और एक हमारे सर थे मिस्टर पंकज, वो काम करते हैं डेस्टिनेशन इंडिया दिल्ली में, उनका एक ट्रैवलिंग कंपनी है। तो तीनों हम इंस्ट्रक्टर, माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर है। ओके। और थोड़ा जब पता लगा इस डिजास्टर के बारे में तो तब भाइयों ने प्लान किया कि चलो थोड़ा हेल्प जितना हो सके, वहाँ कुछ पानी, कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ रास्ते में जितना भी हेल्प कर सके उतना हमने सामान कैरी भी किया उसके लिए, बल्कि इक्विपमेंट भी हमारे पास अपना था, रोप्स, कैराबिनर, डिसेंडर्स, जितना भी टेक्निकल इक्विपमेंट यूज होता है अगर कहीं स्टीप सेक्शन में कहीं फंसे हों लोग तो उन्हें कैसे उतारा जाए, उसके लिए हमने सारा इक्विपमेंट कैरी किया था सर। अब जाहिर सी बात है, ये तीन भाई हैं, तीनों लोग क्या आप माउंटेनियर हैं? यस सर, बिल्कुल, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं हम, मनाली में काम करते हैं एज ए VI विजिटिंग इंस्ट्रक्टर। एक्सपर्ट है आप इसके? यस सर। तो जाहिर सी बात है एक्सपर्ट है लोग, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां से आ रहे हैं, फंसे हुए हैं लोग, कई दिनों से खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो उन लोगों को यहाँ पे ये लोग जो कुछ भी है, ड्राई फ्रूट्स के पास है, जो चॉकलेट्स है, जो पानी की बोतलें हैं वो दे रहे हैं ताकि उन्हें कुछ एनर्जी मिले और जो बाकी का रास्ता है वो तय कर सके। कैमरामैन PS भंडारी के साथ विनोद मिश्रा, News 24। News 24 की टीम हर उस अंधे की तस्वीर को आप तक लाने की कोशिश कर रही है, तबाही के हर उस मंजर को दिखाने की कोशिश कर रही है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस कोशिश में News 24 की टीम को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने नदी नालों से गुजरकर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर, रस्सियों के सहारे चलकर तबाही के मंजर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम गौरीकुंड से आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर है रास्ता बेहद खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसके आगे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। सेना के जो जवान लगे हुए हैं वो रास्ते बनाने रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है वो इलाकों में फंसे हुए हैं और जो सेना के लोग हैं वो बकायदा इन रस्सियों के सहारे लोगों को ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आखिर कहां तक जाते हैं। बताया जा रहा कि जो गौरीकुंड है इसके आगे जगह पट्टी है, उसके आगे रामबाड़ा है, उसके आगे केदारनाथ है, तो केदारनाथ तक का रास्ता में तय करना है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो इसके आगे रास्ता है वो बेहद खतरनाक होने वाला है क्योंकि रास्ते के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, जो रास्ते थे वो लैंडस्लाइड के शिकार बने हैं, भेड़ चढ़ चुके हैं, कहीं कोई सड़क नहीं है, लोगों को बस ऐसे ही जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाल कर बाहर लाया जा रहा है और जो लोग जंगलों में छुपे हुए थे उन्हें बकायदा रेस्क्यू किया जा रहा है। हमें आगे बढ़ना है, देखते हैं वहां तक हम कैसे पहुंचते हैं। कैमरामैन PS भंडारी के साथ विनोद मिश्रा, गौरीकुंड, News 24।